friends and welcome to my channel. Our today's video mein I am going to talk about servicing of Royal Enfield Classic 350 Ribbon jo main own karta hu. Aur till date maine apne bike ko 39,000 km ride kiya hai aur uska abhi 8th servicing karne ka time tha to maine 8th servicing abhi recently kiya hai. 2 din kiya to usme jo kharcha lag raha tha तो अब तक का सबसे एक्सपेंसिव सर्विसिंग मेरा रहा, उसमें ओवरऑल कॉस्टिंग मेरा 8,932. ये पूरा बिल इधर है, मैं इस बिल को स्क्रीनशॉट में करके आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में. तो इसमें जो जो पार्ट्स मैंने चेंज किया मेरा बाइक में ड्यूरिंग 8th सर्विसिंग, उसका बारे में थोड़ा डिटेल बोल देता हूँ. सबसे पहले तो दोनों ब्रेक पैड मेरा चेंज हुआ है और उसके साथ ही ब्रेक ऑयल भी जो था उसको पूरा ड्रेन करके फिर नया ब्रेक ऑयल डलवाया, आगे के ब्रेक में भी और पीछे का ब्रेक में भी. और सेकेंड थिंग जो किया है कि फिल्टर एलिमेंट जो एयर फिल्टर है उसको चेंज किया है और पूरा चेन स्प्रोकेट जो है उसको भी रिप्लेस किया, पूरा चेंज किया. और रियर का जो एक शॉक एब्जॉर्बर रहता है आप लोगों का रियर सस्पेंशन, उसमें से ऑयल लीकेज हो रहा था एक में, तो वो जो ऑयल लीकेज हो रहा था उसको रिप्लेस किया टोटली नया, सिर्फ एक ही शॉक एब्जॉर्बर मैंने चेंज किया. और आगे का जो सस्पेंशन आर्म है उसमें क्या रहता है कि अंदर पे फ्लूइड रहता है, तो उस फ्लूइड को भी मैंने चेंज किया, जो दोनों आर्म्स का निकाल के फ्लूइड को ड्रेन करके उसको क्लीन करके स्प्रिंग को पूरा क्लीन करके उसके बाद नया ऑयल डलवाया है उसमें. और उसके बाद जो किया मैंने, जो मेरा आगे का जो लाइट्स था हेडलाइट वो भी थोड़ा ख़राब हो गया था तो उसको मैंने रिप्लेस किया है हेडलाइट भी. और उसके बाद जो है इधर पे लिखा है मैंने सब यहाँ पर, और एक रबर का कुशन रहता जो स्प्रोकेट रियर व्हील का जो स्प्रोकेट है उसका और व्हील के बीच में एक रबर का एलिमेंट रहता है जिसको रबर कुशन कहता है, उसको भी रिप्लेस किया हूँ. तो अभी वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे कि क्या क्या काम हुआ है और इसका कॉस्टिंग क्या क्या है, कितना कॉस्टिंग आया है. तो ये मैं ये बिल को मैं स्क्रीनशॉट में लास्ट में शेयर कर दूंगा, तो आप देखिए.